मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी के द्वारा एक शाम राम के नाम आयोजन किया गया, जहां 20 की संख्या में सनातनी भजन प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कांदिवली सपत ग्राउंड में मानो तीर्थ स्थल उतर आए हो। असंख्य भक्तों का ज्वार उमर पड़ा, वही भजन संध्या के साथ महाप्रसाद का भी आयोजन रखा गया, जिसका लाभ हजारों भक्तों ने लिया। बड़ी संख्या में उमड़े भक्तों को सांसद गोपाल शेट्टी ने सभी का आभार जताया और पार्टी ने चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाने पर कहा कि लोगों की सेवा हमेशा करता आया हूँ और करता रहूँगा, आपके लिए मेरे कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ने देखिए, बहुत 2-3 दिन में किसी भी प्रकार का कार्ड ना छापते हुए, कोई नेता का नाम उसमें ना डालते हुए, कार्यकर्ताओं ने स्वयं ये जो परिश्रम करके कार्य इतना बड़ा किया, हजारों की संख्या में लोग आए, लोगों को जगह कम पड़ा, मैदान छोटा पड़ गया, ये मैं मानता हूँ कि इतने लंबे समय मैंने जो काम किया उसकी स्तुति और सराहना बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम है, मुझे और दिनों में और आने वाले दिनों में समाज में लोगों का काम करने के लिए प्रेरणा और ताकत देने वाला ये कार्यक्रम हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सारा भगवान का कृपा से ही हुआ है। राम नाम में कितनी ताकत है वो आप सब लोगों ने देखा, क्या योग हो सकता है। जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा दिखाया वो हेमेंद्र भाई आगे, जिन्होंने मुझे 1992 में पहली बार जबरदस्ती चुनाव लड़वाया वो राम नायक यहाँ पर आए। ये कितनी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, राजनीति में अगर कोई किसी को रिप्लेस करता तो झगड़े होते, एक दूसरे का मुंह देखते नहीं है। लेकिन मेरे बारे में ऐसा हुआ कि मेरे आज के कार्यक्रम में राम नायक हेमेंद्र भाई भी आए, राम नायक जी भी आए, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। और इसलिए ये उत्तर मुंबई का धरती जो है ये पवित्र धरती है, और पीयूष गोयल जी यहाँ पर आए हैं। मैं आपको इस बात का गवाही देना चाहूँगा कि पीयूष गोयल जी के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम यहाँ पर खड़ा होगा। कम मिलेंगे, ये सारा जो चर्चा होता है वो स्वाभाविक है। मंत्री बनने के बाद में मैं भी गोपाल शेट्टी को भी आप मंत्री बना दोगे तो मैं रोज़ यहाँ पर मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन वो जो कमी है, खामियाँ रहेगी, उसको हम भर पाएंगे। और पीयूष गोयल जी का जो अनुभव और ताकत, जो पद का एक गरिमा होता है, उसका लाभ उत्तर मुंबई को कैसा आने वाले दिनों में मिलेगा, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। किसने सांसद जी ने इसे ये साबित होता है अपने राजनीतिक करियर में राजनीति को साइड में रखकर धर्म को आपने आगे रखा है, जिस हिसाब से आपने बोला किस बैनर नहीं, धर्म तो देखिए सांसद ही नहीं तो हर भारत का देश, हर देश का नागरिक, दुनिया का नागरिक मैं कहूँगा, धर्म को छोड़कर आप जी नहीं सकते हो। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, ये तो हमारे देश में ये विरोधी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग खाली भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व को निशा दिखाने के लिए धर्म को बीच में लाकर इस प्रकार की बात करते हैं। हर व्यक्ति का धर्म है। आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है तो आप यहाँ पर वीडियो शूटिंग करने के लिए, न्यूज़ लेने के लिए आए हो, आप अपना धर्म का पालन करते हो, मैं अपना धर्म का पालन करता हूँ। जिनके लिए हम काम करते हैं इतने सालों से, वो आज यहाँ पर आकर उन्होंने अपना धर्म का पालन किया है। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म को अपने जीवन से अलग करके हम जी नहीं पाएंगे, हम श्वास ही ले नहीं पाएंगे। ऐसा है कि कांग्रेस को 4 तारीख को ही पता चलेगा कि वो जिस ताकत के साथ बोल रहे हैं वैसे ताकत कांग्रेस के पास नहीं है। और पूरे भारत का जब हम विचार करते हैं तो NDA के जिस प्रकार के रिपोर्ट्स आए हैं, मैं मानता हूं कि मोदी जी को तो उनके निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट देश में मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आज जो स्थिति थी उससे अधिक विधायक सांसद मोदी के पक्ष में चुनकर आएंगे। इसका कारण ये है कि हम लोग जो पार्टी चलाते हैं वो पार्टी चलाते समय सबकी समस्या, सबकी ताकत, इसका विचार करके आगे जाते हैं। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि मैं 5 बार लोकसभा में इसी क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, और गोपाल जी के जो 2 टर्म्स मिले उसमें भी वो सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो यह एक संबंध है, और यह जो संबंध है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ आने के बाद प्रारंभ हुआ है। लेकिन ये आदत है हम लोगों की कि कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय नहीं होता है, हमेशा कार्यकर्ता होता है, उनके गम दुख सुख सब में हम सम्मिलित होते हैं।
और इसलिए यह एक उत्साहजनक पद। हम दो बार केवल दो सांसद चुनकर आए थे और उस समय पर अटल जी भी हारे थे, लेकिन ये होने के बाद भी 85 की बात है और 89 में भारतीय जनता पार्टी के 87 सांसद चुनकर आए थे। तो काम करने के बारे में हम बहुत कोशिश करते हैं और उसका ये परिणाम है किस प्रकार की जीत होती है। सर, सर महाराष्ट्र में एग्जिट पोल में 50-50 दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एग्जिट पोल का विचार करने वालों को भी ख्याल बराबर नहीं आ रहा है कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रहेगा, क्योंकि 50-50 इसका मतलब चलो दोनों को बता दिया, इस प्रकार का होता है।